पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 29 रन से शिकस्त दे दी। कराची के नेशनल स्टेडियम में होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के पहले मरहले में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बनाए। जवाब में क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम 10 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बना पाई। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से जैसन रॉय और साउथ शकील ने बैटिंग का आगाज किया, लेकिन दोनों ओपनर्स ही नाकाम साबित हुए। श्रीलंका क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान लाहिरो थरीमा की गाड़ी का खौफनाक हादसा पेश आ गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लिंकन टीम के साबिक कप्तान मजहबी तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे कि उनकी गाड़ी को मुल्क के शुमारी इलाके के वस्ती शहर अनवार अतापुर के करीब हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में थरीमा ने शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और जख्मी होने वाले थरीमा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है, जबकि डॉक्टर ने जरूरी टेस्ट के बाद हालात को खतरे से बाहर करार दे दिया। ताहम अभी तक जख्मों की नौयत का पता नहीं चल सका। पाकिस्तान किक बॉक्सर आगा अकलीम ने वर्ल्ड मोई थाई चैंपियनशिप 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया। 22 साल पाकिस्तानी बॉक्सर ने कजाकिस्तान के किक बॉक्सर को शिकस्त देकर 51 केजी सीनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। फाइट के दौरान आगा कलीम के पास कोच भी मौजूद ना था। इटली के कोच ने फाइट के दौरान आगा कलीम की मदद की।